टेल्स ऑफ टू सिस्टर्स मूवी की शुरुआत में एक मेंटल इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है जहाँ पर सुमी नाम की लड़की का ट्रीटमेंट चल रहा है। दरअसल कुछ समय पहले सुमी के साथ कुछ हुआ था जिस वजह से उसे एक शॉक लगा। डॉक्टर सुमी को उसकी फैमिली फोटो दिखाता है और पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन इस बारे में वो कुछ भी नहीं बताती। ट्रीटमेंट हो जाने के बाद उसके फादर उसे घर लाते हैं जो कंट्री साइड में एकांत जगह पर बना हुआ था। वहाँ पर सुमी के साथ में उसकी छोटी सिस्टर सुयान भी होती है जिसको सुमी बहुत प्यार करती है और हमेशा प्रोटेक्ट करती है। कुछ समय बाहर बिताने के बाद दोनों अंदर आ जाते हैं। वहाँ सुमी युनजू को देखती है जो इनकी स्टेप मदर है। युनजू दोनों को वेलकम करती है लेकिन दोनों युनजू से अनकंफर्टेबल हैं और डर रही हैं। इसके बाद सुमी और सुयान अपने अपने बेडरूम में चली जाती हैं। कुछ समय बाद युनजू सभी के कपड़ों को सही करने लगती हैं, लेकिन जब वो अपने बेडरूम में पहुंचती है तो उसके हस्बैंड का अंडरगारमेंट्स पहले से ही सही होता है। इसके बाद सब एक साथ डिनर करने बैठते हैं लेकिन वहां पर कोई भी किसी से बात नहीं करता। ऐसा लगता है कि सुमी और सुयान किसी बात से अपने फादर से भी नाराज हैं। डिनर करने के बाद सुमी के फादर बिना कुछ बोले ही चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो युनजू को उसकी मेडिकेशन देते हैं जिसे युनजू हमेशा लेती है। इसके बाद सुमी और सुयान भी वहां से चली जाती हैं। यहां हम युनजू के एक पेट बर्ड को देखते हैं जिसे युनजू बहुत ज्यादा प्यार करती है। सभी के सोने के बाद युनजू भी अपने बेडरूम में चली जाती है, लेकिन आज वो सुमी के फादर के साथ सोने के लिए काफी एक्साइटेड है। सुमी के फादर कुछ समय तक उसके पास सोते हैं लेकिन उसे नींद आ जाने के बाद वहाँ से दूसरी जगह सो जाते हैं। सुयान भी अपने बेडरूम में सो रही होती है तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। इससे सुयान घबरा जाती है, फिर वहाँ कोई आकर दरवाजा खोलने लगता है। ये देख सुयान बहुत डर जाती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है। तभी कोई उसके ऊपर से चादर को हटा देता है, लेकिन सुयान जब देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इससे वो बहुत डर जाती है और सुमी के बेडरूम में चली जाती है। सुमी उसे डरा हुआ देख परेशान हो जाती है। फिर सुयान उसे बताती है कि मुझे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं और कोई मेरे बेडरूम में आया था। तब सुमी चेक करने के लिए नीचे चली जाती है, लेकिन वहाँ पर वो अपने फादर को देखने लगती है। तभी युनजू वहाँ आ जाती है। फिर सुमी बहाना बनाती है कि मैं केवल पानी पीने के लिए नीचे आई थी। इसके बाद वो पानी पीने लगती है, तभी उसे वहाँ से किसी चीज के सड़ने की स्मेल आने लगती है। फिर सुमी को वहाँ पर एक पेपर दिखाई देता है जिसके अंदर सड़ी हुई मछली होती है। ये देख वो बहुत डर जाती है। इसके बाद सुमी अपने बेडरूम में आकर सो जाती है, तभी वहाँ पर हलचल होने लगती है। फिर सुमी जब देखती है तो वहाँ पर एक घोस्ट होता है, लेकिन वो किसी और का नहीं बल्कि उसी के मदर की घोस्ट होती है जिसके पैरों से होकर ब्लड नीचे गिर रहा था। इससे सुमी बहुत डर जाती है। फिर पता चलता है कि ये सब केवल उसका एक सपना था। तभी उसकी नजर अपनी सिस्टर पर जाती है जिसे पीरियड आया था। तब सुमी चुपके से अपने स्टेप मदर के बेडरूम में जाती है और उसके क्लोजेट से पैड लेकर आने लगती है, लेकिन युनजू उसे देख लेती है। फिर सुमी को पता चलता है कि आज युनजू को भी पीरियड आया है। कुछ समय बाद सुमी बाहर आ जाती है और अपनी सिस्टर के साथ बैठी होती है। वहीं पर युनजू का पेट वर्ड भी होता है जिसे देख सुमी कहती है कि अगर हम इसको मार देंगे तब युनजू हमसे और भी हेट करने लगेगी। तभी उसके फादर वहां आते हैं और उसे अंदर जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि बाहर ठंड पड़ रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो केवल उसी से अंदर जाने के लिए कह रहे थे। फिर सुमी सुयान के बेडरूम वाले क्लोजेट को हटाने की बात करती है, लेकिन उसके फादर इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं करते। दोस्तों अब एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है बिनोमो। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपको बिनोमो को डाउनलोड करना होगा और रजिस्टर करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से डाउनलोड करने पर आपको डेमो अकाउंट में $1000 मिलेंगे जिससे आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एसेट चूज कर लेता हूं जो कि मैंने पहले से ही चूज किया हुआ है और अब आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए हैं। तो अब मैं 7,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा इसीलिए मैं अब सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो प्राइस अप गया और मैंने ट्रेडिंग में सक्सेसफुली 12,740 रुपए कमा लिए हैं और अब मेरे रियल अकाउंट में 25,740 रुपए हो गए हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग के लिए अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं और कस्टमर सपोर्ट के लिए सपोर्ट में जाकर चैट यूज कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग करके पैसा कमाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से बिनोमो को डाउनलोड करो और ट्रेडिंग प्रैक्टिस के लिए $1000 डेमो अकाउंट में पाओ। गो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ बैक टू आवर स्टोरी। इसके बाद सुमी घूमने निकल जाती है, तभी उसे अपने बियर हाउस के बारे में याद आता है। इसके बाद सुमी वहां आती है और कुछ सामान लेकर वापस आ जाती है। सामान को चेक करने पर सुमी को अपनी फैमिली फोटो मिलती है, इसे वो खुश होकर देखने लगती है। लेकिन बाद में कुछ ऐसे फोटो भी होते हैं जिसमें युनजू उनकी फैमिली के साथ होती है। फिर पता
पता चलता है कि यून जू इस घर की नर्स थी। दरअसल सुमी की मदर हमेशा बीमार रहती थी, इसीलिए यून जू भी यहीं पर रहने लगी थी। उसकी फोटो देख सुमी फिर से उदास हो जाती है। उसी समय सुयान भी वहां आती है और उन फोटो को देखने लगती है। तभी सुमी की नजर उसके हाथों पर जाती है जिस पर चोट के निशान बने थे। ये देख वो परेशान हो जाती है। उसे यकीन होता है कि यून जू ने ही उसे पीटा होगा। वो सुयान से इस बारे में पूछती भी है, लेकिन सुयान डर की वजह से कुछ नहीं बोलती बल्कि उसी पर गुस्सा होकर चली जाती है। अब सुमी यून जू के पास जाती है और उस पर गुस्सा होने लगती है, लेकिन यून जू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सुमी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर उसके फादर उसके पास आते हैं, लेकिन वो उनसे बात नहीं करती। फिर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम अभी भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। अब रात को सुमी के अंकल अपनी वाइफ के साथ यहाँ डिनर पर आते हैं, जहाँ पर यून जू उनको अजीब अजीब कहानियां सुनाने लगती हैं। इसे सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर सुमी के अंकल कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं। ये सुनकर यून जू उन पर नाराज हो जाती है। तभी अचानक से सुमी की आंटी को दौरा आ जाता है, इसके बाद वो बहुत ही वायलेंट हो जाती है। फिर सुमी के फादर और अंकल किसी तरह उनको मेडिकेशन देते हैं, लेकिन इस दौरान वो लगातार किचन के सिंक के नीचे देख रही होती है। ऐसा लगता है कि उनको कोई देख रहा है। फिर तबीयत ठीक होते ही दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में सुमी की आंटी बताती कि मैंने उस घर में एक अजीब सी लड़की को देखा जो किचन सिंक के नीचे से लगातार मेरी तरफ देख रही थी। इधर सुमी के फादर यून जू के अजीब बिहेवियर से उस पर नाराज हो जाते हैं। तभी यून जू को किचन में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसके बाद वो सिंक के अंदर देखती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। तभी उसे वहाँ पर एक हेयर पिन नजर आता है। फिर यून जू जैसे ही उसे उठाने जाती है, घोस्ट उसका हाथ पकड़ लेता है, यानी कि भूत उसका हाथ पकड़ लेता है। वो इस बात को अपने हस्बैंड से भी बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि यून जू डिस्टर्ब है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। लेकिन फिर भी उसे तसल्ली दिलाने के लिए वो पूरे घर को चेक करता है, जहाँ पता चलता है कि किसी ने यून जू के पैट वर्ड को मार दिया है। तभी हम देखते हैं कि सुमी वहीं पर छुपी हुई है और मुस्कुरा रही है। इधर यून जू सुयान के बेडरूम में आती है और वो देखती है कि फैमिली फोटो में से सुयान ने उसकी फोटो को अलग कर दिया है। इसे देखकर वो सुयान पर बहुत गुस्सा होने लगती है। तभी उसे वहाँ पर उसका पैट वर्ड मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो और भी गुस्सा हो जाती है और पनिशमेंट देने के लिए सुयान को क्लोजेट के अंदर बंद कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुयान ने ही उसके बर्ड को मारा है। उसे बंद करने के बाद यून जू वहाँ से चली जाती है। तभी सुमी उसे सुयान के बेडरूम से बाहर आते हुए देख लेती है, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ जाती है और वहाँ की कंडीशन देखकर परेशान हो जाती है। तभी उसे क्लोजेट के अंदर से सुयान की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो सुयान को जल्दी से बाहर निकालती है और उसे इस हालत में देख बहुत दुखी होती है। उसी समय उसके फादर वहाँ आते हैं और उसे अपनी अजीब हरकतें बंद करने के लिए बोलते हैं। इस पर सुमी गुस्सा हो जाती है और बताने लगती है कि यून जू सुयान को हमेशा हैरेस करती है, यानी कि उस पर अत्याचार करती है। ये सुनकर उसके फादर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सुयान बहुत पहले ही मर चुकी है। लेकिन सुमी को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इस तरह यहाँ रिवील होता है कि सुयान केवल सुमी की इमेजिनेशन थी, लेकिन वो अभी भी सुयान को देख रही थी जो इन बातों को सुनकर रो रही थी। अगली सुबह यून जू एक थैले को घसीट कर ले जा रही थी, जिसके अंदर से ब्लड निकल रहा था। इसके बाद वो एक डंडा लाती है और उस थैले पर मारने लगती है। वहीं सुमी को उसके फादर का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि वो अभी कहीं बाहर गए हैं। लेकिन सुमी को फिर से सुयान के बारे में याद आ जाता है और वो उसे खोजने लगती है। तभी उसकी नजर फ्लोर पर लगे खून पर जाती है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है और उसको फॉलो करते हुए थैले के पास पहुंचती है। थैले पर लगे खून को देख सुमी घबरा जाती है। उसे लगता है कि इसके अंदर सुयान है, इसे यून जू ने मार डाला है। फिर सुमी को कुछ विजन आने लगते हैं, जिसमें वो यून जू को देख रही थी। इसी बीच वो थैला वहाँ से गायब हो जाता है। उसे खोजने पर सुमी को वो थैला सुयान के बेडरूम वाले क्लोजेट में मिलता है। इसके बाद सुमी उसे खोलने लगती है। उसी समय यून जू भी वहाँ आ जाती है और दोनों में फाइट होने लगती है, जिस दौरान सुमी जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। फिर यून जू उसे घसीटते हुए दूसरी जगह ले जाती है और उसे मारने के लिए उस पर एक स्टैचू गिरा देती है। तभी सुमी के फादर वहाँ आ जाते हैं और सुमी को जख्मी देख उसे वहाँ से उठाकर सोफे पर ले जाते हैं। इसके बाद वो मेडिसिन लेने जाते हैं, जहाँ क्लोजेट में पड़े थैले में हमें डॉल्स दिखाई देती है, यानी कि ये सब कुछ भी केवल सुमी का हेलुसिनेशन था।
फिर सुमी के फादर वापस जाते हैं, लेकिन अब हमें वहाँ पर सुमी नहीं बल्कि यून जू नजर आती है जो सुमी के बारे में पूछती है। तब सुमी के फादर उसे कुछ मेडिसिन देते हैं और तभी वहाँ पर यून जू आती है। इसके बाद रिवील होता है कि अभी तक इस घर में सुमी अपने फादर के साथ अकेली थी और वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से खुद ही यून जू की एक्टिंग भी कर रही थी। इसने ही यून जू के पैट वर्ड को मारा था और खुद ही यून जू की पर्सनैलिटी में अपने फादर के साथ सोने गई थी, जबकि सुयान उसकी इमेजिनेशन थी। इसके बाद सुमी को फिर से मेंटल इंस्टीट्यूट में एडमिट कर दिया जाता है। यून जू सुमी से प्रॉमिस करती है कि वो उसे विजिट करने आती रहेगी। इससे पता चलता है कि यून जू की रियल पर्सनैलिटी सुमी की इमेजिनेशन वाली पर्सनैलिटी से काफी डिफरेंट है। वहीं दूसरी तरफ अब यून जू को भी अफसोस होने लगता है क्योंकि उसने सुयान के साथ काफी बुरा बर्ताव किया था। इस समय वो घर पर अकेली होती है, तब उसे सुयान के सीटी की आवाज सुनाई देने लगती है। इससे यूनजू बहुत डर जाती है और चेक करने सुयान के बेडरूम में जाती है। फिर वहाँ का क्लोजेट अपने आप खुल जाता है। ये देख यूनजू उसमें देखने जाती है, तभी वहाँ से सुयान का भूत बाहर आता है और यूनजू को मार देता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सुयान अपने बेडरूम में सो रही थी, तभी उसके क्लोजेट का डोर अपने आप खुल जाता है। ये देख सुयान क्लोजेट को चेक करती है, जिसमें उसकी मदर ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था क्योंकि उनको भी अपने हस्बैंड का यूनजू से अफेयर के बारे में पता चल गया था। अब सुयान अपनी मदर को बाहर निकालने लगती है, लेकिन तभी क्लोजेट उसके ऊपर गिर जाता है। इसकी आवाज सुनकर यूनजू ऊपर आती है, लेकिन ये सब देख वो काफी डर जाती है। सुयान बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास क्लोजेट को उठाने की ताकत नहीं थी। यूनजू सुयान को बचाने जाती है, तभी सुमी भी वहाँ आ जाती है और उसे इंसल्ट करने लगती है क्योंकि यूनजू का उसके फादर के साथ अफेयर चल रहा था। इस पर यूनजू कहती है कि तुम इस बार बहुत पछताओगी, लेकिन सुमी को अपनी मदर और सुयान की कंडीशन के बारे में पता नहीं था। इसके बाद वो गुस्से में घर छोड़कर निकल जाती है। उसकी बातों से यूनजू भी गुस्सा हो गई थी, इसीलिए वो सुयान को वहीं पर छोड़ देती है। इसके बाद सुयान क्लोजेट के नीचे तड़प कर अपना दम तोड़ देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।